देखो वो बाइक लेके जा रहे हैं। पूरा रात का हाल तो देखो एक बार, सब इतना क्राउड है, पानी होता है जीरा, फिर मीठा पानी भी होता है यहाँ पे। जस्ट मैं थोड़ा सा फ्रेश होके यहाँ पे आया, यहाँ का लाफिंग रेस्टोर अच्छा है, वेरी डिलीशियस लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हुई थी, वेलकम माई चैनल। तो आज हम जाऊंगी गांव में, कल है उत्तरायण, मतलब यहाँ का जो मतलब गुजरात का जो फेस्टिवल है काइट फेस्टिवल, तो गांव में जाऊंगी इस बार। और मैंने अभी देखो क्या बनाया, बाहर देखा रहा को सांदर जो ना लाइट थोड़ा कम आता है, बहुत ही अम्मी बना, मैं कम ही बनाया, मैं क्या ना मुझे ऐसा लगता है अगर नहीं नहीं हुआ ना, हर टाइम ऐसे होता है, फिर मैं बनाता हूँ और वो जाता है अच्छी तरह से बन जाता है। ये अम्मी अम्मी लड्डू, ममरी का लड्डू है और बनाया उसको, नाम क्या बोलता है, पापड़ी बोलता है ना, ये मैंने मैदा सूजी से बनाई, बहुत ही अच्छा हुआ, मम्मी बनाता है वो अलग टाइप का, मैं अलग टाइप का बनाया, ये मैंने घी से फ्राई किया, बहुत ही अम्मी बनाया। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होते हैं बना के, बहुत ही अम्मी लगता है खाने में। तो चलो गांव में मिलते हैं, अभी बहुत सारा काम है, सब कुछ बनाया, पूरा बर्तन सब गंदा हो गया, सब गंदा पड़ा है, तो गांव में मिलते हैं। तो अभी जा रहा हूँ बिसनगर और अभी गाड़ी में आ गई, और एक्चुअली उत्तरायण जो है ना कल से स्टार्ट है काइट फेस्टिवल, तो यहाँ पे होता है, मतलब गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है, दूसरी जगह में नहीं होते हैं, और ऐसे तो कल से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे बहुत दिन पहले से शुरू हो जाता है काइट फेस्टिवल, छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं वो चला मतलब पतंग चगाती है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आते यार, मुझे धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, क्या ना पूरा स्किन में काला 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 हो जाती है, ऐसे भी यहाँ का वेदर ख़राब है। तो अभी जा रही हूँ, और दूसरी बात क्या है ना, मैं दिखाऊंगी यहाँ पे रास्ता में, जो पूरा रास्ता में क्या है ना, जो काइट बेचने वाला और जो धागा होता है, धागा को कलर करती है, एक्चुअली हमारे उधर जो मिलता है रेडीमेड मिलता है धागा, हमें पहली बार देखा यहाँ पे धागा कलर करता है, इसमें धागा में ना काँच के छोटा छोटा दाना लगाता है, इसके वजह से दूसरे धागा को काटने में ईजी होता है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पहली बार देखा था रास्ते में, पूरा रास्ता में ऐसे ही होंगे, देखाते थोड़ा सा, देखा थोड़ा कितना लंबा, देखो एकदम धोड़ी बना रहा है पतंग के लिए, इसके अंदर काज बात सब कुछ रहते हैं ना। कितना भीड़ होता है यहाँ पे ना, जब भी कुछ भी फेस्टिवल होता है ना बहुत भीड़ होता है जगह, ये जगह का नाम क्या है, टिंग टावर। ये तो यहाँ पे लंबा दुकान होता है, पतंग का रस्सी वस्सी सब इसके अंदर सब मिलते हैं। सुनल दीदी पतंग ले लिया, इसके अंदर इतना सारा चीजें मिलते हैं ना। देखो कितना सारा टेडी बियर भी, मुझे तो दिख के मतलब मुझे अच्छा लग रहा है साला, एक तो गलत साउंड ही निकलता सही टाइम में, देखो कितना सारा है, वाव आई आई यहाँ से वाव।
बार पूरा 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 देखो दादा ने वो कलर कर रहा है, कांच लगा रहा है पूरा बिसनगर में ऐसा ही है सब ऐसा। पानी पूरी खाने के लिए यहाँ पे तो पांच कलर का एक पानी पूरी मिलता, पांच फ्लेवर का एक पानी पूरी मिलता है वो खाने के लिए आया। देखो कितना सारा भीड़ है। हाँ पांच है ना, चार फ्लेवर का है ना, ना ना क्या लिखा है पता नहीं लिखा है। रेगुलर लहसुन पुदीना, हाँ लहसुन पुदीना सबका पानी होता है, जीरा फिर मीठा पानी भी होता है यहाँ पे। अभी आ गई मामा के घर पे और मैं रास्ता में बिल्कुल मैं वीडियो शूट नहीं किया, एक तो मुझे उल्टी आ रहा था। इधर आ देखो माता का बाल चला गया, रोटी खाता नहीं ओली चाय पीता इसीलिए। और यहाँ पे अभी रोटला बना रहा है जो गुजरात में ना, गुजरात में और राजस्थान में रोटला खाता है, हमारे उधर कोई रोटला पहचानता भी नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारी अच्छी बात है। उसका बाल है रोटली निकाले कह रहे कौन है ये लोग माँ गो माँ उनको पाता में वीडियो बना था फिर भी बोलता है कौन है देखो देखा था कैसे कैसा होता है रोटला। ये देखो रोटला बना ये आटा नहीं होता वो और कुछ होता है बजरा का होता है। यहाँ का फेमस खाना है भाई, यहाँ पे सब लोग कोई पसंद सब मेरे को हंसाता है, मेरे को ऊपर का पापड़ अच्छा लगता है ना, ये रोटला पापड़ का है। हाँ 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 विंटर के टाइम है देखो सर्दी में ऐसे करके चोला में बना रहे क्या मजा आएगा। हाँ क्यों चिल्ला रहा इतनी करके रे भाई, क्या हुआ याद नहीं करता क्या हुआ, सबसे बुला रहा है मेरे को भगा दिया। तो वीडियो तो बंद करो ना, मुझे पता है पिंपल तोड़ने के लिए बुला रहा है। इतनी पीछे लाइट कितना मस्त लगता है, गॉड प्रॉमिस रियल में पूरा मोबाइल में लाइट लगता है पता है मेरे को। इसमें पानी डाल के जैसे आटा बनाते ऐसे ही, लेकिन तो मोटा मोटा बनाना पड़ता है रोटी को। इसका नाम है रोटला रोटी नहीं। देखो ना कहाँ पे रखा, अमर उधर देखे तो बोलेगा कितना गंदा जगह पे रखा है। अपन चलो। हाँ रुको मैं अभी जाऊंगी पिज्जा खाने, गुजरात में यह पिज्जा और हम जा रहा हूँ दूसरा पिज्जा खाने। गुजरात का पिज्जा इन लोगों का पिज्जा है ये, अब पिज्जा हमारा। हाँ चल 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 आ रहा हूँ, गंदा में क्यों रखा है ऐसा नीचे, नहीं गंदा नहीं है नीचे। तुम्हारा पिज्जा रोटला खाओ। देखो हम यहाँ पे आए यार बहुत ही ज्यादा ठंडा है यार, अभी जाऊंगी पिज्जा खाने के लिए और ठंडा बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर रियल पिपरिका भी है और नीचे लापिनूस का भी है, लापिनूस में जा रही हूँ ठीक है ना। और रियल पेपरिका जो है ना इसमें जो पिज्जा बेस बनाता है ना वो ऊपर का जो होता है बस ऊपर डालता है, पिज्जा बेस रेडीमेड होता है। तो हमने दो मीडियम साइज़ पिज्ज़ा ऑर्डर किया 595 रुपीज़ में है, और यहाँ पे जो लापिनोज़ में प्राइस थोड़ा सा हाई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे में और पता नहीं कौन से डे में डिस्काउंट देता है 50%, लेकिन डिस्काउंट के पहले इतना हाई प्राइस होता है 600 का मीडियम पिज्ज़ा होता है, तो आप समझो डिस्काउंट देने के बाद 300 होगा फिर भी उनको लॉस नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले से इतना हाई प्राइस करके रखा है। और हम बृहस्पतिवार को थर्सडे को गई थी, हमारा कोई डिस्काउंट नहीं मिला हमको। हमारा पिज्ज़ा भी आ गया मीडियम साइज़ का पिज्ज़ा, डिलीशियस वेरी डिलीशियस लग रहा है। और यहाँ पे गाना चल रहा है, मैं ज्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाऊँ।
तो हम लोग काइट फेस्टिवल के अगले दिन को गई थी लापिनोस में, और देखिएगा कितना अच्छी तरह से डेकोरेशन किया है लापिनोस को। हम जब गई तब डेकोरेशन कर रहा था ऑलरेडी, और मैं एक पतंग हाथ में भी लेके देख रहा था, बिकॉज इतना शाइनिंग मर रहा था ना पूरा चारों तरफ से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियो में पता नहीं चला था, लाइव में बहुत ही क्यूट लग रहा था, और ऐसा लग रहा था हाँ फेस्टिवल आने वाला ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऐसे भी मुझे काइट फेस्टिवल इतना फेवरेट नहीं है, बिकॉज मुझे पतंग चगाना आता नहीं, जिसको जो चीज़ नहीं आएगा ना इतना उनको इन्जॉय इतना नहीं होंगे, बट मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो अभी पिज्जा खा लिया, और यहाँ पे बुधवार को 50% ऑफ मिलता है, लेकिन लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट जैसा मुझे चाहिए तैसा ही है, ऐसा मिला। और दूसरी बात क्या है ना, अभी ये बिसनगर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, एकदम ठंडा ठंडा है, कुल एकदम। और ये ये जो बड़ा बड़ा बॉक्स जैसे दिखाई दे रहा है ना, कलरफुल बॉक्स है, एक्चुअली इसका अंदर है थ्रेड, जो पतंग चगाते थ्रेड जो होता है इसका अंदर है। बिकॉज इस बारे में मुझे भी पता नहीं था, और मेरी बहन हमारे घर पे है ऐसा एक बॉक्स, एक बार मुझे पूछा था ये क्या है, तो उनको भी पता नहीं है, बिकॉज हमारे उधर ऐसा थ्रेड का बॉक्स ऐसा टाइप का नहीं होता है, इसका अंदर थ्रेड होता है, और ऐसे करके लोग डब्बा लेके जाता है, डब्बा के अंदर थ्रेड होता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, मैं दोपहर के टाइम आई थी बिसनगर में, और दोपहर के टाइम मुझे वीडियो शूट करना था, गाड़ी से आई थी, गाड़ी पार्किंग करने का जगह नहीं था, इसीलिए रात को दोबारा जो पिज्जा खाने आए, तब मैं बोला चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ। और लास्ट डे था, इतना पता नहीं था, लेकिन मैं जो लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे दोपहर के टाइम, एक साल दो साल पहले, तो बहुत ज़्यादा पतंग था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा था। दिन का टाइम आते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा भी क्लियर दिखाई भी देता है, ये जगह बहुत ही क्राउड होता है, मतलब पूरा बिसनगर में यही जगह में मतलब मार्केट होता है पतंग का, यहाँ पे सब कुछ होता है। जब होली का टाइम यहाँ पे कलर मिलता है, और जब दिवाली होता है तो यहाँ पे पटाखा सब कुछ मिलता है, यहाँ पे स्टॉल बैठता है सब ऐसे करके। पूरा रात का हाल तो देखो एक बार, सब इतना क्राउड है आसपास, बहुत क्राउड। पे खटला होता है, मतलब बेड नहीं होता बांग्लादेश जैसे, और मामा के घर पे अकेला खटला है, यहाँ पे भी बेड रखता है लोग, लेकिन गांव में ज्यादातर लोग बेड नहीं रखता। देखो कितना खटला लगा है, तीन लोगों के लिए तीन खटला एक दो तीन, और भी बाकी रूम में भी है ऐसा। और यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा है ना बाहर, इतना ज्यादा ठंडा है क्या बताऊ मैं। और मैं पिज्जा खाने गई तो खा नहीं पाया, ज्यादा लेके आ गई पार्सल घर पे। और दूसरी बात क्या है ना, ठंडा इतना ज़्यादा है बाहर, देखा है मैंने आने का टाइम, इतना भीड़ पे पू बासी बजा रहा है सब। एक्चुअली अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे पतंग में इतना शौक नहीं, बिकॉज मैं मुझे पतंग चगाना नहीं आती है ना इसीलिए। तो अभी मैं सो जाऊँगी थोड़ा सा फ्रेश होके, ब्रश ब्रश करके, तो चलिए फिर गुड नाइट। आई घर थोड़ा पुराना सा है, तो बैकग्राउंड ऐसा तो आ रहा है पुराना पुराना, ठीक है, चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।